नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो मैकेनिक दोस्तों, आप सब ये देख सकते हैं मेरे गैरेज में एक बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल आया है। 220 cc का ये मोटरसाइकिल है दोस्तों। और ये वीडियो में दोस्तों हम जानकारी देने वाले हैं आप सबका, फुल वायरिंग के बारे में दोस्तों हम आपका जानकारी देने वाले हैं, एक एक वायर के बारे में दोस्तों हम सही जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत यानी कि कमाल का होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा के पूरा देखिएगा, आपको एकदम यानी कि समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक एक वायर के बारे में दोस्तों, एक एक तार के बारे में दोस्तों हम आपको जानकारी देने वाले हैं, फुल एकदम यानी कि सही जानकारी होगा दोस्तों। ये है दोस्तों बजाज कंपनी के 220 cc मोटरसाइकिल है, 220, और ये BCU मॉडल वाला है दोस्तों। ये 220 BCU मॉडल वाला, ठीक है। इसमें इसके भाइजर के भीतर BCU लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये डिजिटल स्विच एक साइड का ये हो गया और ये हो गया डिजिटल स्विच, ठीक है। ये है BCU वाला मॉडल 220 cc मोटरसाइकिल। तो वीडियो बहुत यानी कि एकदम मस्त होने वाले है, तो आप ध्यान लगा के वीडियो देखना दोस्तों, एकदम ध्यान लगा के, एकदम यानी कि दिमाग में आपको एकदम सेट हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो एकदम ध्यान लगा के देखना दोस्तों, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप सीख पाएंगे और कोई भी वायरिंग की प्रॉब्लम आए दोस्तों तो आप आसानी से यानी कि फॉल्ट को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम यानी कि आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो पार्ट 1 भी देखिएगा और पार्ट 2 भी देखिएगा दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं ये है मैग्नेट क्वाइल, ठीक है। और मैग्नेट क्वाइल से ही हम वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्वाइल यहाँ लगा रहता है इसके भीतर, और इसके वायर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। और ये वायर दोस्तों निकल के यहाँ डायरेक्ट आया है दोस्तों, आप देखिएगा डायरेक्ट यहाँ आया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं तीनों पीला कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्वाइल से एसी करंट आता है, ठीक है, और रेक्टिफायर में जाता है डायरेक्ट दोस्तों, देख सकते हैं 3 के 3 ये पीला कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखिएगा ये कपलर में, तो ये कपलर में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 3 वायर है दोस्तों, ठीक है। तो एक हो गया दोस्तों, देख सकते हैं ये है पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों, देख सकते हैं ये है न्यूट्रल का, और ये हो गया बॉडी अर्थिंग का दोस्तों, ठीक है। और ये उजला वाला सॉकेट में आप देख सकते हैं 3 के 3 यहाँ पीला कलर का वायर है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट मैग्नेट कॉइल से आता है रेक्टिफायर में। अब चलिए हम रेक्टिफायर के वायर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है रेक्टिफायर यानी कि RR यूनिट, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मैग्नेट क्वाइल से एसी करंट रेक्टिफायर में यहाँ घुसता है, ठीक है। और ये काला कलर का वायर दोस्तों देख सकते हैं ये है बॉडी अर्थिंग, और ये रेक्टिफायर से आउटपुट करंट यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करके दोस्तों ये लाल वाला तार में यानी कि निकाल देता है, ठीक है, आउटपुट यानी कि करंट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ है लाल कलर का, ठीक है, लेकिन यहाँ हो गया है उजला कलर। तो दोस्तों ये वायर यानी कि रेक्टिफायर से ही आया, देख सकते हैं यहाँ है लाल और यहाँ से उजला हो गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों रेक्टिफायर से आउटपुट करंट निकलता है, इसमें डीसी करंट, ठीक है। और ये दोस्तों दो काम करता है, एक हमारा बैटरी चार्ज करता है और एक यहीं से चला जाता है हमारा दोस्तों इग्निशन स्विच में, ठीक है। ये उजला कलर का पूरा वायर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है CDI यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ आपको ये दिखाएंगे, तो देख सकते हैं काला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों CDI से आउटपुट करंट जाता है हाई टेंशन कॉइल में, एक ये हाई टेंशन कॉइल में जाता है और एक पूरा काला कलर का वायर दोस्तों देख सकते हैं, और ये भी हाई टेंशन कॉइल में ही जाता है, क्योंकि दोस्तों बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल बाइक में दोस्तों रहता है 2 हाई टेंशन कॉइल, और एक ये हाई टेंशन कॉइल में चला जाता है यानी कि ST कॉइल में, और एक ये हाई टेंशन कॉइल में चला जाता है जो यहाँ काला है, और ये है काला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप कन्फर्म हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले हम ये आपको ये जानकारी देते हैं, देख सकते हैं ये है चॉकलेटी पे उजर लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये आता है एक रिले से, ये CDI में 12 वोल्ट करंट इनपुट आता है, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों एक यहाँ आप हम आपको दिखा दें दोस्तों, इधर साइड में देखिए दोस्तों, तो ये काला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये हो गया बॉडी अर्थिंग दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये एक देख सकते हैं उजला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये हो गया यानी कि पिकअप कॉइल का दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये कलर दोस्तों, देखिए आप ये कलर दोस्तों देखिए, ये कलर ये कपलर में आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया TPS सेंसर में, जो कार्बेटर में TPS सेंसर एक छोटा सा लगा रहा था, ये साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड में ये TPS सेंसर का ये वायर है, और ये वायर ये CDI में आया है, देख सकते हैं सेम टू सेम वायर है ये वायर और ये वायर, देखिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ एक देखिए, ये है काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये वायर दोस्तों इंजन एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है दोस्तों, यहाँ देखिए टेम्परेचर सेंसर आप यानी कि देख सकते हैं काला पे यहाँ उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, और एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों,
ऑरेंज पेयर दोस्तों देख सकते हैं चकलेटी लाइन बना हुआ है दोस्तों, ऑरेंज पेयर चकलेटी लाइन बना हुआ है दोस्तों ये वायर। तो ये वायर दोस्तों सीडीआई से आता है हमारे यहाँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आया है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है दोस्तों देख सकते हैं ऑटो चौक, ठीक है ऑटो चौक में ये वायर आया, देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं सेम टू सेम वही वायर है दोस्तों, ठीक है। और ये एक वायर दोस्तों आप देखिएगा, इसमें भी आ रहा है एक 12 वोल्ट करंट, और सेम टू सेम यही वायर दोस्तों ये सीडीआई में भी आप देख सकते हैं, यहाँ सीडीआई में भी है, देख सकते हैं यहाँ सीडीआई में भी सेम टू सेम वही वायर है, इसमें भी आता है 12 वोल्ट करंट दोस्तों, ठीक है। और एक ऑटो चौक के वायर में भी 12 वोल्ट करंट जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अगाड़ी के भाग है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं ये वायरिंग के गुच्छा देख सकते हैं दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो में दोस्तों VCU का और डिपर स्विच का, लेफ्ट साइड का डिपर स्विच का और राइट साइड का डिपर स्विच का हम जानकारी नहीं देने वाले हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने बना के अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम इसके हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों, और एकदम माइंड शांत करके दोस्तों आप ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, और ये अपना भाई का सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये एक वायर का, ये देख सकते हैं सॉकेट, और ये एक सॉकेट दोस्तों देख सकते हैं, और ये एक सॉकेट देख सकते हैं दोस्तों। ये तीनों के तीनों सॉकेट दोस्तों डिजिटल मीटर में जाता है दोस्तों, हम आपको डिजिटल मीटर भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये डिजिटल मीटर के सॉकेट दोस्तों देख सकते हैं, और ये वायरिंग के गुच्छा से आया है सॉकेट दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी के हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, ये सॉकेट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये उजला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये आता है हमारे टंकी से, ठीक है, फ्यूल दिखाने के लिए कि अभी कितना फ्यूल बचा हुआ है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये, ठीक है, ये पूरा के पूरा हरा कलर का वायर है दोस्तों, ये वायर देखिएगा, और दोस्तों आप ये वायर देखिएगा दोस्तों, ये दोनों वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है इंडिकेटर का, यानी कि एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का है और एक राइट साइड का इंडिकेटर का है, जो हमारे डिजिटल मीटर में बिलिंग करता है और शो करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा का पूरा सादा कलर का वायर है दोस्तों। तो ये आता है डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से, यानी कि बैटरी से डायरेक्ट दोस्तों आता है हमारा डिजिटल मीटर में, यानी कि चाबी ऑन हो या ऑफ हो, यानी कि मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट डिजिटल मीटर में आता है, ठीक है। और दोस्तों एक ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर आप दोस्तों देखिएगा, ये है न्यूट्रल का, ठीक है, ये न्यूट्रल बोलने के लिए आता है डिजिटल मीटर में दोस्तों, ठीक है। और एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा के पूरा ऑरेंज कलर के वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी कि चॉकलेटी कलर के वायर दोस्तों। तो ये आता है दोस्तों, जैसे ही हम चाबी स्विच ऑन करते हैं, तो चाबी स्विच ऑन करते ही फ्यूज के जरिए से ये वायर यहाँ हमारा आ जाता है डिजिटल मीटर में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सॉकेट के एक एक वायर के बारे में हम आपको जानकारी दे दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और एक ये छोटा वाला सॉकेट का दोस्तों देख सकते हैं, तो ये छोटा वाला सॉकेट का दोस्तों आप तो यानी कि समझ ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो यानी कि ये इंडिकेटर का ये सॉकेट है दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ हरा कलर का वायर है दोस्तों, और एक ये बड़ी अर्थिन का है दोस्तों, और यहाँ भी एक हरा कलर का वायर है दोस्तों, देख सकते हैं ये यानी कि डिजिटल मीटर में जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ आप भी दिमाग लगाइए और कुछ आप भी दोस्तों समझिए, ठीक है। और दोस्तों एक ये देख सकते हैं ये सॉकेट का दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा रेड कलर का सॉकेट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉकेट दोस्तों में ये वायर देख सकते हैं, जो लाल पे उजला लाइन यहाँ बना हुआ है दोस्तों। तो ये किलोमीटर में यानी कि काम आता है दोस्तों, ये किलोमीटर का सेंसर का ये वायर है दोस्तों, और ये भी वही वायर है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायर, तो ये वायर दोस्तों आता है हमारा यानी कि एयर फिल्टर के बॉक्स में एक सेंसर लगा रहता है, चलिए हम वहाँ भी हम जाके हम आपको बता देते हैं। लो दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ सेंसर लगा है एक इसका नीचे, ठीक है, नीचे सेंसर लगा रहा है। यहाँ देखिए ये जो ये तीन वायर है, ठीक है, ये यानी कि नीचा गया है, देख सकते हैं ये है एयर फिल्टर का बॉक्स, और ये नीचे गया है, ये यानी कि एक सेंसर लगा रहता है दोस्तों, देख सकते हैं यही सेंसर है, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक वही वायर सेम टू सेम आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये वायर देख सकते हैं सेम टू सेम वायर है, यहाँ रेड लाइन बना हुआ है, भूरी यहाँ सादा कलर का वायर है, और यहाँ देखिए सिलेक्टिव कलर दोस्तों आप कह सकते हैं ये वायर का कलर को सिलेक्टिव कलर का वायर है, और यहाँ रेड लाइन बना हुआ है दोस्तों, यही वायर यहाँ से सिग्नल जाता है हमारे डिजिटल मीटर में और इरर दिखाने के लिए काम करता है। और एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, जो काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, और ये वायर दोस्तों हमारा आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर से, हम वहाँ जाके हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये इंजन, और ये इंजन का टेम्परेचर सेंसर, और ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ, हम आपको यहाँ देख सकते हैं काला पे यहाँ उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं काला पे यहाँ उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लाल कलर का ये सॉकेट के एक एक वायर के बारे में हम आपको जानकारी दे दी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों रह गया ये पीला कलर का सॉकेट के
वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो एकदम ध्यान लगा कर देखना, बहुत आपको फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, और ये अपना भाई का सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ये अपना भाई का सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों।